फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 10 इंच की बाजू जो है वो कैसे बनाते हैं, क्या हो जाता है। जैसे पहले तो छोटी बाजू की बनाते थे, लेकिन अभी थोड़ी सी बड़ी जो बाजू है वो बनाते हैं। जैसे 3/4 भी नहीं है और फुल स्लीव्स भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें एल्बो तक जो बाजू बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे बाजू की लंबाई है 10 इंच। तो अभी 10 इंच की स्लीव जो है वो कैसे बनानी है। अब देखिए, यहाँ पे तो मैंने एक पेपर लिया है, पेपर के ऊपर बताती हूँ। पहले पेपर को हमने इस तरह से डबल किया है। अभी डबल करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे हमने पेपर को इस तरह से डबल किया है। डबल करने के बाद यहाँ पे बंद बाजू जो है वो अपने साइड में हमने ली है। अभी बंद बाजू अपने साइड में लेने के बाद यहाँ पे हमें 10 इंच की लंबाई लेनी है। अभी 10 इंच इसकी लंबाई लेते हैं तो इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि 1.5 इंच जो है यहाँ पे हमारा ये अंदर के साइड में 0.5 इंच यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा और 1 इंच अंदर के साइड में फोल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो अभी यहाँ पे हमने लंबाई ली, लंबाई में हमने 1.5 इंच प्लस किया है। अभी यहाँ पे हमारी चौड़ाई कितनी रखनी है, तो अब जब हम आरमोल नापते हैं, आरमोल जितना हमारा आरमोल आता है उसमें आपको 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। जैसे 7 इंच हो तो 7.5 इंच लेना पड़ता है, 7.5 इंच हो तो 8 इंच लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने 8 इंच जो है वो लिया है। जैसे ऊपर के साइड में 8 इंच लिया है, तो यहाँ पे भी आपको 8 इंच ही लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें ये 8 इंच लेना है, इस तरह से। अभी जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पेपर जो है उसे हम कट करेंगे। यहाँ पे भी हमें इसको कट करना है। अभी एक्स्ट्रा पेपर को हमने कट किया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये बाजू जो यहाँ पे ये साइड जो है ये खुली साइड है, और ये साइड जो है ये हमारी बंद बाजू है। अभी बंद बाजू होने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए, 3 इंच पे हमें एक मार्किंग करनी है। 3 इंच पे एक मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है, और इस साइड में हमें 1 इंच लेना है। अभी दोनों साइड में हमने 1-1 इंच लिया है। अभी दोनों साइड में 1-1 इंच लेने के बाद इस तरह से हमें इसे ये बाजू का शेप जो है वो देना है। इस तरह से हम बाजू का शेप जो है वो देते हैं। अभी ये जो बाजू का शेप हमने दिया है, तो ये हमारा बैक साइड का बाजू का शेप हुआ। और यहाँ पे दूसरा जो शेप निकलता है, इसमें से हमें निकाल के इस तरह से इसे इसमें हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको ज्वाइन करना है। अभी यहाँ पे पहले हमने क्या किया, ये बाजू का शेप। अभी इस दोनों के बीच में हमारा 1 इंच का गैप होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे, ये दोनों के बीच में हमारा 1 इंच का गैप होना चाहिए। अभी 1 इंच का गैप होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका बॉटम जो है वो लेना है। अभी यहाँ पे हमारा बॉटम जो है वो है हमारा 5 इंच, तो इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अभी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो इसे हमें इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो है ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है। ये देखिए, यहाँ पे हमारी ये एक्स्ट्रा पट्टी है, और इसे हमें क्या करना है, इस तरह से इसमें ये ज्वाइन करना है। इसे हमें इस तरह से कट करना है। तो ये देखिए, पहले 10 इंच के बाजू मैंने आपको कट करके दिखा, कट कैसे करनी है ये मैंने आपको बताया है। फिर से एक बार समझाती हूँ। हमने पेपर लिया है, पेपर को हमने इस तरह से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद बंद बाजू जो है वो अपने साइड में हमने रखी है। यहाँ पे हमने पूरी लंबाई ली, 10 इंच हमारी लंबाई है, तो 10 इंच इसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो यहाँ पे जितनी हमारी लंबाई थी इसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ पे हमने 3 इंच का एक मार्किंग किया है। 3 इंच का मार्किंग करने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमने 1 इंच लिया है, और यहाँ से यहाँ तक हमने 1 इंच लिया है, और इसे हमने इस तरह से ये बाजू का शेप जो है वो दिया है। अभी ये बाजू का शेप जो है वो हमारा बैक साइड का रहता है, और यहाँ पे हमें आगे के साइड में जो डीप शेप, डीप में थोड़ा सा ये देते हैं शेप, तो ये हमारा फ्रंट साइड का रहता है। तो ये दोनों के बीच में हमारा 1 इंच का गैप होना चाहिए।
ये दोनों के बीच में हमारा 1 इंच का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बॉटम जितना है स्लीव्स का, जितना बॉटम है उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया है, ये जो बॉटम है, बॉटम जितना है उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है और इसे हमें इस तरह से कट करना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको कट करना है। ये बैक साइड जो है बैक साइड में जॉइंट हो जाएगा और ये जो है ये हमारा फ्रंट साइड में जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने ये जो स्लीव्स है, ये 10 इंच की स्लीव्स कैसे कट करनी है ये मैंने आपको बताया है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये स्लीव जो है वो कट करना आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।